एक मूवी देख रहा था मैं नेटफ्लिक्स पे, एक मूवी है। उसमें क्या होता है कि आजकल काफ़ी फेमस हो रही है मूवी, इंडिया में ट्रेंडिंग में चल रही है। क्यों फेमस हो रही है? क्योंकि उसमें क्या है ना कि जैसे वायरस आया, लैब में किसी ने वायरस बनाया होगा, तो वायरस से क्या हुआ, वायरस से उस वायरस की वजह से जो वायरस आया इंसानों के लिए तो वो खतरनाक था। तो इसका मतलब इसे दिखाया गया कि इंसान तो उससे मर रहे हैं, लेकिन अब आने वाली जो जनरेशन है ना, वो इंसान रही नहीं, वो म्यूटेट हो चुकी है। तो मतलब कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इंसानों से ही। कोई प्यारा सा हिरन, वो इतने इतने प्यारे, पता है बच्चे सबके क्यूट होते हैं, चाहे वो सुअर का बेबी हो, एक पिक का बेबी हो, बिल्ली का बेबी हो, डॉग का बेबी हो, बियर का बेबी हो, डियर का बेबी हो, समझ रहे हो? तो रिसेंटली मूवी है वो, और उसका नाम था स्वीट टूथ, मतलब सीरीज है स्वीट टूथ, देखना मिल जाएगी आपको। तो इतना प्यारा बेबी, मैंने इतना प्यारा बेबी कभी नहीं देखा। वो एक्चुअली है ना हिरन, हिरन हिरन का बेटा, क्योंकि तो इसके सींग निकल रहे हैं। तो आने वाले सारी जनरेशन वो ऐसी पैदा हुई है, कोई हिरन का, हिरन की शक्ल वाला है, कोई पिग की शक्ल वाला है। एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची है, वो पिग है, उसकी नाक पिग की जैसी है ना, और कोई बिल्ली की जैसा है, ऐसे पैदा हो रहे हैं। और वो बताया गया वो वायरस एक्चुअली एनिमल्स को हार्म नहीं करता, इंसानों को हार्म करेगा। तो इंसान ख़त्म होते जा रहे हैं और नई जो जनरेशन पैदा हुई है वो सारी की सारी ऐसी है। बहुत गजब की मूवी है, तो वो स्वीट टूथ नाम है उसका। तो आने वाले समय में ये जो म्याऊ म्याऊ, क्या पता हम यही बोलने लग जाए, बात करें एक दूसरे में, सेशन ले रहा हूँ मैं तो, लड़के लड़के यहाँ पर लिख रहे हैं भो भो, लड़के लिख रहे हैं म्याऊ म्याऊ, यही चल रहा है, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आजकल ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, और वैसे भी देखो कैसे कैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, पर देखो पुष्टि किसी बात की नहीं हुई है, ठीक है।